नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों, हम यहां पर रोजाना आपके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आते हैं, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटे को दबा दें। दोस्तों, आज हम जिस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं वो निकली है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के डिपार्टमेंट में। हाल में ही SSB ने 91 GDMO एंड स्पेशलिस्ट के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया वॉकिंग इंटरव्यू पे बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में सारे डिटेल्स को मैं बता दूं आपको। दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम है GDMO एंड स्पेशलिस्ट। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता मांगी गई है मेडिकल क्वालिफिकेशन PG डिप्लोमा। यहाँ पर जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया। इंटरव्यू का डेट है 27 और 28 दिसंबर 2017। यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम 67 ईयर्स और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bsf.nic.in। दोस्तों, अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 91 है। पोस्ट का नाम है GDMO यानी कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जिसके लिए 74 पद हैं, वहीं स्पेशलिस्ट के लिए 17 पद हैं। दोस्तों, यहां पर स्पेशलिस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और द सेकेंड शेड्यूल और पार्ट टू ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन द लाइसेंसिएट क्वालिफिकेशंस टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिटी। दोस्तों, इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 75,000 रुपये हर महीने, जो कि काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, वहीं सेकेंड जो पोस्ट है GDMO यानी कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का, उसके लिए शैक्षिक योग्यता मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट और द सेकेंड शेड्यूल और पार्ट टू ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन लाइसेंसिएट क्वालिफिकेशंस टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। दोस्तों, इसके लिए आपको सैलरी मिलने वाली है 85,000 पर मंथ। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू पे बेस्ड है और मेडिकल एग्जाम पे। दोस्तों, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू है कंपोजिट हॉस्पिटल SSB। ज़्यादा जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, एड्रेस से आप वहाँ देख लें। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों सिंपली आपको इंटरव्यू में शामिल होना है, इंटरव्यू से ही आपका सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ और उसके फॉर्म फिलअप के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।